Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usman and I am your maths teacher. Today is 4th December 2020, that is Friday. Class 5 students, you will know that number 4 is decimals and percentage. Today we will start with exercise number 4b. Book page number 76-77. Okay, beta? So, in this exercise, you have seen that आपने जो लर्निंग है वो ये है कि इस एक्सरसाइज में हमने डेसिमल वैल्यूज को किस तरह मल्टीप्लाई और डेसिमल वैल्यूज को किस तरह डिवाइड करते हैं बेटा आपने ये सीखना है ठीक है बेटा आपका जो क्वेश्चन है वन दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स ओके बेटा तो फर्स्ट पार्ट देखिए ए पार्ट ये है मिक्स फ्रैक्शन 15 होल 3/1000 और कहते हैं इसको कन्वर्ट करें इसमें बेटा डेसिमल में तो आज आपने एक बात सीखी कि फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे देखिए अगर मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करूं पहले सिंपल फ्रैक्शन में तो वो आपको मालूम है कि वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होती है और जो आंसर आता है उसमें ये ऐड हो जाता है नंबर तो 1000 को जब 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा 15000 आएगा और 15000 में जब 3 ऐड कर लेंगे तो 15003 बन जाएगा बेटा 15003 तो ये देखिए 15003 लिखा है बेटा मैंने ठीक है और डिवाइड में 1000 आ जाएगा ओके अच्छा बेटा इस फ्रैक्शन को जरा और से देखें आपको नजर आ रहा है कि अपने एक वैल्यू है और उसको आपने 1000 से डिवाइड करना है तो बेटा आज आपको मैं शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा बेटा ठीक है इसको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह हम किसी भी नंबर को 1000 से या 10 से या 100 से या 10000 से डिवाइड करते हैं तो बेटा देखिए बहुत आसान सा प्रोसेस है कि डिवाइड करके 1000 आ रहा है 1000 में बेटा कितने जीरोस हैं यस 3 जीरोस हैं तो अब आपने काम ये करना है कि ऊपर से ना राइट हैंड साइड से आपने 3 डिजिट स्किप कर दिए और फिर डेसिमल लगा देना है तो देखिए ऊपर है 300 तो देखिए 3 डिजिट स्किप करके मैंने फौरन डेसिमल लगा दिया और ये 15 नीचे काट दिया बेटा तो हमारा आंसर आ गया 15.003 तो इट मींस इसकी कन्वर्ट इसकी आंसर जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमारा आंसर बेटा बनेगा 15.003 आई होप बेटा आपको समझ आ गई होगी ठीक है बेटा अब नेक्स्ट स्टेप देखें एक डेसिमल वैल्यू है 0.006 और आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1000 के साथ तो बेटा किसी डेसिमल नंबर्स को 10 के साथ 100 के साथ 1000 के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई करवाना हो तो आंसर जो है वो आपको विद इन सेकंड्स मिल जाता है आपने ये बात सीखी तो ठीक है बेटा जब ये बात आप सीख लेंगे ये देखें जब भी किसी डेसिमल नंबर को 1000 से अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए 1000 में कितने जीरोस आ रहे हैं 1 2 3 3 जीरोस आ रहे हैं तो अब आप ये बात करें अपने डेसिमल को शिफ्ट कर दें 3 जीरोस 3 डिजिट्स आगे की तरफ ठीक है बेटा तो जब इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे 3 डिजिट आगे तो देखिए 1 2 3 3 डिजिट्स कंप्लीट हो गए इसका मतलब है डेसिमल को आपने यहां पे शिफ्ट तो ये बन गया 6 पॉइंट तो आंसर आ गया 6 पॉइंट देखिए बेटा ये कितना ऑकवर्ड लगता है कि 6 के साथ ऐसे में आगे पॉइंट लिखाओ तो ये पॉइंट आप शो ना भी करवाए तो बेटा इट्स ओके तो आंसर इज 6 इसी तरह बेटा देखिए एक डेसिमल नंबर है इसको आप उसने क्वेश्चन में जब लाइन से पूछा है ई पार्ट है आपका कि अगर इस डेसिमल नंबर को हम किसी को कौन सा नंबर है तो क्या अगर इसको मल्टीप्लाई करवाए तो आंसर 1.5 आ जाता है तो बेटा जरा गौर से देखें नंबर बिल्कुल यही है जस्ट आपको नजर आ रहा है कि पॉइंट शिफ्ट हो गया है 2 के बाद तो ये पॉइंट यहां आ गया 1.5 तो अभी भी मैंने आपको सिखाया कि जब हम डेसिमल नंबर्स को 10 के साथ 100 के साथ 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ओके अब इसमें देखिए इस पार्ट में बताया था कि 1000 आ रहा था 3 जीरो से डेसिमल 3 डिजिट स्किप करके आगे जाएगा अब यहां पर देखें ये डिजिट पहले कहिए ये जो आंसर आया इसमें कि ये डेसिमल कितने स्किप करके आगे का डिजिट कितने स्किप करके आगे का गया था 2 के बाद आ गया यानी यहां पर तो देखिए 2 डिजिट स्किप किए होंगे इसने तो इसका मतलब है 2 डिजिट स्किप करके ये आगे आया तो 2 डिजिट जब स्किप करेंगे तो 20 वाली वैल्यू आएगी यानी कि 100 जिसमें 20 आती है ठीक है बेटा तो इट मींस आप 100 से जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 12.5 ओके बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपका बुक का पेज नंबर है 77 और बेटा इसमें उसने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है आपको कि चूज द करेक्ट आंसर ओके बेटा एमसीक्यूज है अब मुझे सबसे पहले ये बताइए ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है
द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन दिस नंबर। ये डेसिमल नंबर है, गौर से देखें, इसमें देखें सिक्स जो आ रहा है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो बेटा बात सुने, जब आपके पास नंबर डेसिमल की फॉर्म में होते हैं तो हम आपको बताते हैं कि उसमें हम जब प्लेस वैल्यू देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं बेटा, डेसिमल के बिल्कुल राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड टेंथ बेटा, को टेंथ कहते हैं, और जो उसके आगे होता है दैट इज कॉल्ड हंड्रेड, और जो उसके आगे होता है दैट इज कॉल्ड थाउजेंड्स। ओके बेटा, और जो इधर था वो तो आपने सीखा भी हुआ है, वंस टेंस हंड्रेड्स इस तरह से आता है, ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड्स। देखिए इधर जब पॉइंट के बाद आएंगे तो फोरन जो फर्स्ट डिजिट होगा बेटा उसकी प्लेस वैल्यू टेंथ होगी, बेटा इधर टेंस आ रहा है, इधर टेंस आ रहा है, टीएच का इजाफा है, हंड्रेड है इधर हंड्रेड से टीएच का इजाफा है, इसी तरह थाउजेंड होगा तो यहाँ पे थाउजेंड्स होगा, ठीक है बेटा। अच्छा ये देखिए ये नंबर 18.2065, तो जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए इस तरह से आएगा 18 नीचे 206 और आगे 5, यहाँ पे थाउजेंड्स है यहाँ पे 10,000 होगा, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा थाउजेंड्स। तो देखो हमने यहाँ पे बताया कि 6 की इस नंबर में प्लेस वैल्यू होगी थाउजेंड थाउजेंड। ओके बेटा गुड, अभी पार्ट है 2.56 को अगर हम 1000 के साथ डिवाइड करें बताएं क्या आंसर आएगा। अच्छा बेटा अभी आपने सीखा कि अगर डेसिमल को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कैसे आता है, कि 1000 में अगर 3 जीरोस हैं मींस आपने पॉइंट को राइट हैंड साइड पे 3 डिजिट स्किप करवा के आगे शिफ्ट करना है। अगर डिवाइड का क्वेश्चन हो तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अब आपने 3 जीरोस आ गए ना 1000 में, अब आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे बेटा, डिवाइड होगा तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा और अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होगा तो पॉइंट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। और कितने डिजिट स्किप करके शिफ्ट होगा बेटा, 1000 में 3 जीरोस आ रहे हैं इसका मतलब 3 डिजिट स्किप करके होगा, इधर भी 1000 है 1000 में 3 जीरोस आ रहे हैं इसका मतलब 3 डिजिट स्किप करके होगा। तो बेटा गौर से देखें, ये है 256 नंबर, तो पॉइंट से पीछे देखें सिर्फ एक नंबर आ रहा है, सिर्फ एक डिजिट आ रहा है, लेकिन पॉइंट आपने लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट स्किप करके रखना था तो 20 आपने अपने पास से लिए ताकि 1 2 3 3 डिजिट कंप्लीट हो जाए, फौरन डेसिमल लगाया आपने और साथ ही एक जीरो भी अटैच कर दिया इसके ज्वाइन कर दिया ताकि हमारे पास प्रॉपर फॉर्म बन जाए 0.00256 इज द आंसर। अच्छा सी पार्ट है 169 डिवाइडेड बाय 100, तो वही बात होगी बेटा कि अगर नंबर को डिवाइड कर लें 100 से 1000 से या 10 से तो जितने जीरोस आते हैं उस वैल्यू में आपने लेफ्ट साइड पे डिजिट को शिफ्ट करना है अपने डिजिट स्किप करके। तो ये बेटा सिर्फ कहीं कितने जीरो आ रहे हैं 2, तो इट मींस इसमें आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है 2 डिजिट्स छोड़कर, ठीक है। अब देखिए इसमें डिजिट नहीं आ रहा था, अगर नहीं आ रहा था तो आपको पता होना चाहिए इसका डिजिट लास्ट में होता है, तो अब इसको 2 डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें 1 2, तो बन जाएगा यहां पर 1.69, तो देखिए आंसर आ गया 1.69। ओके बेटा गॉट इट गुड। ओके बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट। आपने 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करना सीखना है, 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 2 1 कैरी, 3 2 6 + 1 7, और ये डेसिमल यहां बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इन कैरी को भी मल्टीप्लाई करवाने हैं, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 0 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 3 9 27, 7 2 कैरी, नीचे शिफ्ट कर दो बेटा, 3 7 21 21 + 2 23 हो जाएगा, तो बेटा दिस इज योर आंसर। लास्ट पार्ट देखिए डी पार्ट, आपने 4.672 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10 जीरो का 1 कैरी, 5 7 35, 5 5 + 1 36, 6 का लगा 3 कैरी, 5 6 30, 30 + 3 33, 33 का 3 लगा 3 कैरी, डेसिमल नीचे आ जाएगा, 5 4 20, 20 + 3 23, तो आंसर इज 23.360। ओके बेटा आज आपने सीखा डेसिमल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई और हमने डिवाइड करना भी सीखा, ठीक है बेटा, और इसकी आपने घर में बैठे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया बेटा, और इन बातों को आपने अच्छे तरीके से याद भी रखा है। अब आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो हम इन्हीं 9 के ऊपर यानी कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।